बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब मरकरी 10 मई को एरीज में ट्रांजिट होने वाला है, तो मरकरी की ये जो ट्रांजिट है तमाम बरूज के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। अब देखिए, मरकरी जब एरीज में जाएगा तो आप लोगों की बातचीत के अंदर एक अग्रेशन वाला, एक पुरजोश किस्म का रवैया आपके अंदर पैदा हो जाएगा। आप किसी भी जोड़ी साइन से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे। आप लोग जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, बड़े जोश के साथ करेंगे। आपके अंदर किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं रहेगी। अगर पिछले दिनों में आप लोग कुछ बातें करते हुए हिचकिचा जाते थे, शर्मा जाते थे या अपने मतलब की बात नहीं कह पाते थे, तो अब आप लोग खुले दिल से, बड़े पुर एतमाद तरीके से अपनी बातें कह सकेंगे। हाँ, कुछ मामलात में कुछ लोग जज्बाती भी हो सकते हैं, थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, आप डिस्कशंस की तरफ जाएंगे, बहस मुबासों की तरफ जाएंगे। आप लोगों की सोच बहुत अच्छी हो जाएगी, सोच में तेजी आएगी, अकल में तेजी आएगी। और इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कामों में तेज़ी आएगी। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अगर आपके काम स्लो हो गए थे तो अब आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी भी किस्म का आर्ट क्राफ्ट, आप किसी भी किस्म का ऐसा कोई भी काम करते हैं, जैसे आप एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो केमिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ हैं, पावर सेक्टर में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और वो तमाम लोग जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों का काम करते हैं, जैसे लाइटिंग का, बिजली के बल्ब, ऐसी कुछ चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो 10 मई से आप लोगों के वो तमाम काम जो रुक रहे थे, उन कामों में भी तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम ज़ोडियक साइंस पर मरकरी की इस ट्रांजिट के असरात कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए तो सबसे पहले एरिस की बात करते हैं। एरिस बुर्ज हमल, एरिस। अब देखिए, मरकरी आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, और मरकरी की इस ट्रांजिट के बाद मरकरी आपके पहले घर में आ जाएगा, यानी आपके राइजिंग, आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो मरकरी जब आपके पहले घर में आएगा, तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, कुछ नई तब्दीलियां आप लोग महसूस करेंगे। जैसे आप लोग पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप लोग अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे, अपनी ज्यादा केयर करना शुरू हो जाएंगे, और अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, नए कपड़े, नए जूते खरीद सकते हैं, या ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि इस ड्यूरेशन में आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके कुछ मामलात, कुछ ताल्लुकात थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो दूसरों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी।
वैसे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, वहां से आपको सपोर्ट भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी मसले में आपको अपनी फैमिली खसूसन अपने बहन भाइयों की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अब बेहतर होगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे। बल्कि ये वक्त उन तमाम हमली लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो शादीशुदा तो हैं लेकिन उनका रिश्ता एक टॉक्सिक किस्म का बन चुका था, रिश्तों में लड़ाइयाँ झगड़े थे, इख्तलाफात थे, तो अब आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर बना सकेंगे। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम हमली लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मीडिया सोशल मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर का कोई काम करते हैं, बोलने का कोई भी काम करते हैं, आप बोल के पैसा कमाते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, अब देखिए मरकरी आपके 12वें घर में 10 मई को आ जाएगा। मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए दो मुख्तलिफ किस्म के असरात लेकर आएगी। पहले पॉजिटिव असरात की बात कर लेते हैं। अब वो तमाम लोग जो एक अरसे से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते थे, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते थे, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो भी वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इस दौरान आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, अखराजात ज़्यादा होंगे, और दूसरी तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार भी हो जाएंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे, आप किसी टीम को अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ पर नज़र रखनी है और वो है आप लोगों के एक्सपेंसेस, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात होंगे, बड़े अखराजात हो सकते हैं, और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपने जितना पैसा जमा किया है वो सारा पैसा किसी एक जगह पर आप खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जमनाय बुर्ज जौसा जमनाइस, अब आप लोगों के लिए एक अच्छे टाइम का आगाज हो रहा है, क्योंकि मरकरी जो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है वो आपके 11th हाउस में आ जाएगा 10 मई को। 11th हाउस में मरकरी का आना यानी आपके रूलिंग लॉर्ड का 11th हाउस में आना आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम जेमिनाइज जिनकी बोलचाल की वजह से उनके रिश्ते खराब हो रहे थे या आपके काम कारोबार में सुस्ती आ गई थी, पैसों का फायदा नहीं हो रहा था, प्रॉफिट आपका कम हो गया था, तो अब आपकी प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगी,
आमदन अच्छी हो जाएगी, आपकी बोलचाल बहुत बेहतर हो जाएगी, आप अकल और दानिश की बातें करेंगे और अपनी इन काबिलियत की वजह से, इन अबिलिटीज़ की वजह से आप लोग पहले से ज़्यादा पैसा भी कमा सकेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, आप लोगों की बातचीत अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपकी तरक्की हो सकती है, आपको बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं, यानी अगर आप किसी ख़ास खबर का, किसी ख़ास काम के होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपको वो ख़ास खबर मिल सकती है, आपका कोई ख़ास रुका हुआ काम हो सकता है, कोई बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है, क्योंकि 11वां घर ये बड़े फ़ायदों का घर है, 11वां घर ख्वाबों की तकमील का घर है। तो जब आपके 11th हाउस में आपका रूलिंग लॉर्ड आएगा, तो आपके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपके मोहब्बत के रिश्ते भी बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। और वो तमाम लोग जो किसी को पसंद तो करते हैं लेकिन आप प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप लोग मोहब्बतों का इजहार भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब आपके रुके हुए काम तेज़ होंगे, आप लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, शादी ब्याह की पार्टीज़ में जाएंगे, नए दोस्त बना सकेंगे। और अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, यानी एक काम के साथ, एक कारोबार के साथ कोई एक नया काम, कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मरकरी का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदों का वक्त हो सकता है। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, मरकरी आप लोगों के करियर हाउस में आने वाला है। आपके 10th हाउस में 10 मई को मरकरी आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो मरकरी का ये जो ट्रांजिट है आपके कर्मा के घर में आएगा, तो आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन कामों में बेहतरी आएगी। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, तो इन तमाम मामलात में आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो भाग दौड़, वो कोशिशें, वो चैलेंजेस आपको पे बैक ज़रूर करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मरकरी जब आपके 10th हाउस में होगा, तो आप लोगों का काम की जगह पर ताल्लुक भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका ख़ास तौर पर काम कारोबार ही ऐसा है कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करते हैं, या आप एक्टर हैं, या आप डिज़ाइनर हैं, या आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके अंदर मेहनत बढ़ेगी, मेहनत से काम करेंगे, और आप लोग जिस भी सेक्टर में काम करेंगे, जिस भी सेक्टर में कोशिश करेंगे, उस कोशिश का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आपकी डोमेस्टिक लाइफ अब बेहतर होगी, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होते जाएंगे, बेहतर से बेहतर तर होते जाएंगे। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
तो कैंसरियंस, मरकरी का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत मुबारक साबित होगा। आप लोग अपनी जिंदगी में लाजमी बेहतरी देखेंगे। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर बड़े फायदों का वक्त रहेगा। तो यहाँ पर मरकरी की पोजिशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो बुर्ज असद। लियोस, अब मरकरी 10 मई को एरिस में ट्रांजिट होने वाला है, यानी आपके 9th हाउस में, आपके खुशकिस्मती वाले घर में मरकरी आ जाएगा। तो वो तमाम लियो लोग जो हज करना चाहते हैं, उमरा करना चाहते हैं, ज़ियारात पर जाना चाहते हैं, मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं, रूहानी लोगों से मिलना चाहते हैं, या रूहानियत में अगर आपकी दिलचस्पी है तो रूहानी लिटरेचर में रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये जो वक्त शुरू हो रहा है 10 मई से, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका जो मरकरी है ये आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक भी है, तो इसकी वजह से आपके पैसों के मामलात भी बेहतर होंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, अचानक से कहीं से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई बड़ा पैसा आ सकता है, तरक्की हो सकती है, या फिर पैसों के मामलात में अगर आपका कोई काम रुक रहा था, एक अरसे से आपका कोई काम रुक रहा था, तो अब आपके वो रुके हुए काम, ये पैसों के हवाले से बात कर रहा हूं, पैसों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अगर कोई काम एक अरसे से भी रुका हुआ था तो अब आपका वो काम भी चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब आपकी वो तमाम कोशिशें जो आपने माजी में की हैं, या पिछले हफ्तों में जो आपने किसी भी खास काम के लिए कोई कोशिश की है, मेहनत की है, तो उस कोशिश का, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने फैमिली बिजनेस में हैं, उनका फैमिली बिजनेस बेहतर हो जाएगा, और आपका अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक अच्छा हो जाएगा। और मरकरी चूंकि है ही आपकी सेंसेस, आपकी बातचीत, बोलचाल का प्लेनेट है, तो अब आपको वहां से भी फायदा होगा। वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मरकरी की पोजिशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, मरकरी आप लोगों के लिए अब एक ऐसी तब्दीली ला रहा है जो कि वैसे देखिए मरकरी आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, दूसरी तरफ अब 10 मई को मरकरी आपके 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, तो इस वजह से काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस नहीं होंगे कि आप इससे कुछ सीखेंगे नहीं, आपको इन चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ये चैलेंजेस आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने
अपना हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि यहां से आप लोगों को अचानक से कुछ बड़े फायदे होंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं, गैर मतवक्के तब्दीलियां। अगर तो आपकी पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो अब आपका कोई लॉटरी प्राइज बाण लग सकता है, डूबी हुई फंसी हुई रकम हाथ लग सकती है, जॉब कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट मिल सकता है, सैलरी में इजाफा हो सकता है। और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में ही मरकरी कमजोर हालत में है तो अब आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना होगा अगर आपकी पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा नहीं है तो, क्योंकि पैसों के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आप कुछ हिडन सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसे जराए से पैसा कमा सकते हैं कि जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आते, या जैसे आप रिसर्च का काम करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं आप, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो ऐसे काम करने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपने वालिद की सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके वालिद की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब मरकरी जो आपकी बातचीत, आपकी जहानत का प्लेनेट है, और यही प्लेनेट आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी है और आपके ट्वेल्थ हाउस का यानी बारहवें घर का मालिक भी है। तो 10 मई को यही मरकरी आपके सेवंथ हाउस में आ जाएगा। तो मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बहुत आइडियल पोजिशन पर रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, म्यूजिक, मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, ऐसा कोई भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फायदों का वक्त रहेगा, आपके कामों में तेजी आएगी, आपका कारोबार वसी हो जाएगा। और अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 10 मई के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर तो आपकी पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो यह वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दिलाएगा, गैर मतवक्के जराए से आप पैसा कमा सकेंगे। और यहां से एक और बड़े फायदे का काम यह होगा कि आपको सफर करने के मौके मिलेंगे, दूर दराज के सफर कर सकते हैं, दूसरे ममालिक के सफर कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आप दूसरे ममालिक से पैसा कमाते हैं, तो वहां से भी आपको फायदा होगा। और वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, अगर तो आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही थी तो अब वो रिश्ता फाइनल हो जाएगा। अगर आप अभी तक सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, या रिश्ते के इंतजार में बैठी हैं या बैठे हैं, तो अब आपका रिश्ता कहीं तय होने का इम्कान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, आप लोगों की डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप लोग दूसरों से अपनी बातें मनवा सकेंगे, सोसाइटी में आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा, सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, उनसे भी आपका ताल्लुक बन सकेगा। तो ओवरऑल मरकरी का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रम। स्कॉर्पियंस, मरकरी 10 मई को आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, मरकरी आपके आठवें और ग्यारहवें घर का लॉर्ड भी है। मरकरी अब आ जाएगा आपके छठे घर में और छठा घर अच्छा घर नहीं माना जाता। देखिए, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। आपने किसी को कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि जिससे आपके ताल्लुकात खराब हो जाएं। आपकी बातचीत में अग्रेशन बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा ज्यादा मोहतात रहना है, वरना झगड़े होंगे, बहस मुबासे होंगे और इसके साथ साथ आप लोगों के अखराजात भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। मामूल से ज्यादा आपके अखराजात होंगे तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। हाँ, इस ड्यूरेशन में कोशिश कीजिए कि बैंक से कर्ज ना लें, किसी से भी कर्ज ना लें। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो स्टूडेंट हैं। अगर आप कोई कंपेटिटिव इम्तहान देने वाले हैं या आप किसी भी किस्म की मुकाबले की फिजा में हैं, जैसे अगर आप ऑफिस में हैं, आपको कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, आपका अपने कलीग्स के साथ एक कंपटीशन चल रहा है, तो आप उस कंपटीशन में आगे आगे रहेंगे, आप कंपटीशन में टॉप पर रहेंगे, लीड करेंगे सबको। दूसरी तरफ आपने एक चीज का और ख्याल रखना है कि अब आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी कमजोर हालत में है तो आपका इमेज खराब हो सकता है, और अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोगों को कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप लोगों की बातचीत अच्छी रहेगी और आप लोग जिस भी कंपटीशन में जाएंगे आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर मरकरी कमजोर हालत में है तो ये सारी चीजें माइनस भी हो सकती हैं। तो यहां पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, मरकरी आप लोगों के लिए एक रोमांटिक दौर का आगाज कर रहा है, क्योंकि मरकरी 10 मई को आपके पांचवें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। वैसे मरकरी आपके सातवें और दसवें घर का मालिक है, पांचवें घर में आएगा तो आप लोगों के लिए कई मामला तो बहुत अच्छे बना देंगे। जैसे आप लोग एक तो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, आप लोगों की आमदन बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं उन्हें कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। मार्केट में आपकी पोजीशन मजबूत होगी, दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके कामों की वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी। अगर आप कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, बिल्कुल यह वक्त सही है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अचानक से शोहरत मिलेगी, इज्जत बढ़ेगी। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कुछ छुपा हुआ टैलेंट है, और आप अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं, तो रातों रात स्टार बनने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने ऐसे तमाम लोगों से बच के रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपके कामों में रोड़े अटका सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, घर का माहौल भी बेहतर होगा। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा,
क्रिएटिव रहेंगे, आपका पढ़ने की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहेंगे। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो रोमांटिक टाइम रहेगा, दूसरा आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आप लोगों को बहुत बड़े फ़ायदे दे जाएगा। और मरकरी अगर कमज़ोर हालत में है तो भी ये वक्त ज़्यादा बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, मरकरी आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है। 10 मई को मरकरी आपके चौथे घर में आपकी डोमेस्टिक लाइफ में आ जाएगा। मरकरी वैसे आपके छठे घर का मालिक है, चौथे घर में आएगा तो आप लोगों के लिए बहुत से नए ऐसे मामलात बना देगा जो आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक रहेंगे। जैसे अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ पिछले 2-3 हफ्तों में झगड़ा हो गया था, रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात हो गए थे, तो अब वो झगड़े इख्तलाफात ख़त्म हो सकेंगे। रूठों को मनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका अपने घर के साथ जुड़े हुए लोग, अपनी वालदा, अपने बहन भाई, इन तमाम लोगों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। किराए के मकान में हैं, अपना घर बनाने का सोचेंगे, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपना घर मौजूद है तो अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आपकी तवज्जो जो है वो इस ड्यूरेशन में ज़्यादातर अपना घर, अपने घर के आसपास चीज़ें, अपने घर के रिश्ते और इन्हीं तमाम चीज़ों के गिर्द आपकी तवज्जो घूमती रहेगी। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियस, 10 मई को मरकरी आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। मरकरी का थर्ड हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मरकरी आपके 5वें और 8वें घर का मालिक है, आ जाएगा आपके थर्ड हाउस में। और मरकरी के लिए आपका थर्ड हाउस बहुत आइडियल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी आपको सफ़र करवाएगा, आपकी बातचीत बेहतर करवाएगा, आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, आपके अंदर जहानत आएगी, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी समझदारी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा आपके कामों में तेज़ी आएगी, आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है, और ये सफ़र आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस सफ़र को आप लोग इंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे, समझदारी वाले फ़ैसले करेंगे। हाँ, सफ़र आपके लिए अच्छा तो रहेगा, मतलब जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उसमें आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको दौरान सफ़र
खाने पीने में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि दौरान सफर आपको कुछ खाने पीने के हवाले से या बद एहतियाती की वजह से कोई मसला हो सकता है, क्योंकि आप शहर बदलेंगे, जगह बदलेंगी, तो कोई वबाई मर्ज जो वहां पर होगी वो आपको परेशान कर सकती है। वैसे ये सफर आपके लिए अच्छा रहेगा, जिस मकसद के लिए सफर करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर मामलात बेहतर रहेंगे, सोशल हो जाएंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपने बोल के पैसा कमाना है या फिर आप लिख कर पैसा कमाते हैं, आप राइटर हैं, आप स्पीकर हैं, तो आपके लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर मरकरी की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूद। पाइसियंस, मरकरी अब 10 मई को आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर आ रहा है, क्योंकि मरकरी के ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बहुत बेहतर बना देगी। देखिए, मरकरी आपके फोर्थ और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, ट्रांजिट हो रहा है आपके दूसरे घर में, और दूसरा घर आपकी बोलचाल का घर भी है। तो जब मरकरी आपके सेकंड हाउस में आएगा तो आपकी बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का हो जाएगा, आप लोग बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पर डिस्कशंस करेंगे, बड़े इंटेलेक्चुअल रहेंगे, समझदारी वाली, दानशमंदी वाली बातें करेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, जैसे अगर आप मीडिया में काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, या आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोलना होता है और बोल के पैसा कमाना होता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम रहेगा। आप लोगों की बातचीत भी अच्छी रहेगी और आप लोग अपनी बातचीत से पैसा भी ज्यादा कमा सकेंगे। आप लोग अपने कारोबार के अंदर बड़े क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में बड़े अछूते किस्म के नए नए आइडियाज आएंगे। अब देखिए, इस रूए जमीन पर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी तरक्की हुई है, उस सब के पीछे असल चीज क्या है? एक क्रिएटिव आइडिया, एक नया ख्याल, एक अछूता ख्याल। तो एक क्रिएटिव आइडिया ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदलता है, बल्कि उसके साथ साथ जुड़े हुए लोग, सोसाइटी, ये तमाम चीजें उसके असर में आ जाती हैं। तो ये वक्त आप लोगों को बहुत क्रिएटिव भी बनाएगा। तो इस क्रिएटिविटी की वजह से, इस तखलीकी सलाहियत की वजह से आपको कुछ बड़े फायदे होंगे। इसके अलावा आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दूसरे लोग भी आपके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे, मियां बीवी का रिश्ता बेहतर होगा, अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी मामलात बेहतर हो रहे हैं, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, रिश्तों में मोहब्बतें आएंगी, कुर्बतें आएंगी। तो यहां पर मरकरी की पोजिशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, आपको रीडिंग्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी।
और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।